Hi, good morning everyone. This is Anshpreet. I'm the Zonal Sales Trainer for East, Northeast and North. और आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करने वाली हूँ आज हमारे फर्स्ट प्रीमियर बेस्ट फेस फॉरवर्ड में, जो कि हमारा एक फेस्टिव मेकअप लुक ऑनलाइन जा रहा है आप लोगों के लिए. एंड हमारे साथ हैं हमारी ब्यूटीफुल मॉडल दिशा. हाय गाइस. सो आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिव मेकअप लुक करने वाले हैं. इसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. व्हाई? बिकॉज़ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गलतियां होती हैं जो हम लोग कर देते हैं मेकअप करते हुए, राइट? सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग. हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, एक गुड मॉइस्चराइज़र को क्यों यूज़ करना चाहिए. हम बात करेंगे हाइलाइटिंग एंड शेडिंग के बारे में. साथ के साथ हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में. देन आगे चलते हुए वी विल टॉक अबाउट आई मेकअप, आई लैशेज को किस तरीके से आप लगा सकते हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल, राइट? सो बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन मेकअप क्लास. हम अपनी क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं. सो हमारी मॉडल भी रेडी है एंड आई थिंक द ऑडियंस इज ऑल्सो रेडी. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन मेकअप वर्कशॉप. सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करेंगे. सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड स्टेप जो मैं बताने वाली हूँ, दैट इज़ ऑलरेडी दिशा का जो फेस है वो मैंने क्लेंस टोन करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ स्किन फॉर्मूला 9 डीप क्लेंजिंग ऑयल, बिकॉज दैट्स अ वन प्रोडक्ट दैट डज बोथ द जॉब, क्लेंजिंग एंड टोनिंग. बट अभी हमारा एक स्टेप बाकी है विच इज़ मॉइस्चराइजिंग, राइट? दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और हम लोग अक्सर अपनी यू नो डेली जो हम लोग करते रहते हैं, मेकअप करते हैं या इवन हम लोग एक फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग सोचते हैं व्हाट इज़ द नीड. सो आई विल टेल यू व्हाट इज़ द नीड. सो आई एम गोइंग टू यूज़ द स्किन फॉर्मूला 9 इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम. वाई? बिकॉज आई कैन फील कि दिशा की स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई मुझे लग रही है, कॉम्बिनेशन टू ड्राई की तरफ ज़्यादा जा रही है. सो आई प्रेफर यूजिंग हाइड्रेशन क्रीम. आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे दैट दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स में, मोस्ट ऑफ द मेकअप क्लासेज में मैं हाइड्रेशन क्रीम को ज़्यादा यूज़ करती हूँ. दैट इज़ सिर्फ एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज मैं हमेशा से कहती हूँ दिस हैज़ गॉट ग्लिसरीन इन इट. सो ग्लिसरीन वर्क्स अमेजिंगली वेल दोनों के लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए भी, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ मेकअप अगर आप अपने फेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, सो वो लंबे समय तक आपके फेस के ऊपर स्टिक ऑन रहेगा, लगा रहेगा, राइट? सो मैंने यहाँ पे हाइड्रेशन क्रीम लिया है और मैं इनके पूरे फेस के ऊपर हाइड्रेशन क्रीम को लगाना स्टार्ट करूँगी. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से स्टार्ट करते हुए एक मास्क के जैसे मुझे इसको यूज़ करना है. एंड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइज़र. व्हाई? सबसे पहले तो हमारे को हमारी स्किन के लिए एक राइट मॉइस्चराइज़र चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत हुआ है मेकअप का, अगर आपका फर्स्ट बेसिक, यू नो दैट्स द बेस, अगर बेस ख़राब हुआ तो आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, राइट? पूरी मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी, जो हम लोग नहीं चाहते, राइट? सो मैंने बहुत ही देख के इनकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन क्रीम को यूज़ किया है. इवन ऑन द आईलिड्स जो मेरे ब्रश के ऊपर बचा हुआ है, आई विल अप्लाई दैट बहुत ही हल्के हाथ से पूरे फेस के ऊपर, इंक्लूडिंग द चिन एरिया, नोज़ के साइड्स में, पूरा अच्छे से, नेक, जितना भी विजिबल एरिया है मैं उसके ऊपर इसको यूज़ कर रही हूँ. सो आप लोग ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ जेल बेस्ड. सो इफ़ यू फील कि यू नो इफ़ योर स्किन इज़ नॉट दैट ऑयली, एंड इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली एंड यू वॉन्ट अ लिटिल हाइड्रेशन ऑन द स्किन, एंड अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, इफ़ यू फील दैट यू हैव अनइवन स्किन टोन, देन दैट टाइम we can obviously go with brightening treatment cream. So बहुत ही अच्छे से पूरे फेस के ऊपर मैं हाइड्रेशन क्रीम को इनके फेस के ऊपर यूज़ कर रही हूँ. स्लाइटली जस्ट सी दिस साइड. सो दिशा, हाउ डिड यू लाइक द स्मेल ऑफ दिस क्रीम? खुशबू कैसी है इस क्रीम की? हाउ इज द स्मेल? रिफ्रेशिंग एट फर्स्ट,
and I can feel that it's very smooth on the skin. So it's basically a cream with a act of a very good moisturizer also for a longer period of time जो हमारे को चाहिए होता है. So the skin is nicely nourished, nicely moisturized. आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो दिशा के फेस के ऊपर नज़र आ रहा है, राइट. सो हम लोग इसको टाइम देंगे एटलीस्ट 2 मिनट्स का, ताकि क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए स्किन के अंदर एंड जितना भी मॉइस्चर है वो पूरी स्किन के अंदर अच्छे से लॉक हो जाए, राइट. सो फर्स्ट स्टेप, नेवर फॉरगेट दैट इज़ द मॉइस्चराइजर, दैट्स द की ऑफ मेकअप. वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट मॉइस्चराइजेशन इज द की फॉर स्टार्टिंग ऑफ द मेकअप, राइट. ओके, सो स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है, बहुत ही हेल्दी लग रही है, बहुत ही ग्लोइंग लग रही है, एज यू कैन सी. नाउ द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मैंने बताया था दैट आई एम गोइंग टू डू फेस्टिव मेकअप लुक, तो मैं सबसे पहले आज आईज़ को कवर करूँगी एंड आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आईज़ को सबसे पहले कवर किया जाए. वाई? बिकॉज हमारे को फोकस देना है एंड वी डोंट वॉन्ट कि बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो फेस के ऊपर आफ्टर योर बेस. तो मैं सबसे पहले आईज़ कवर करती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आई विल यूज़ कंसीलर. और मैं यहाँ पे कंसीलर 003 यूज़ कर रही हूँ आईलिड्स के ऊपर. दिस विल वर्क एज अ एज योर आई प्राइमर ऑल्सो. सो बेसिकली वी वॉन्ट समथिंग जो कि मेरे मेकअप को, मेरे आई मेकअप को और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखे एंड ऑल्सो कोई भी मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई भी जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, आई वॉन्ट द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर, राइट. मुझे वो कलर बहुत ही उभरा हुआ और बहुत ही ब्यूटिफुल लगना चाहिए. सो मैं उसके लिए पहले कंसीलर यूज़ करूँगी, बिकॉज आईलिड्स के ऊपर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अनइवन स्किन टोन होती है. नाउ यू कैन कंपेयर विद द अदर आईलिड, राइट. ये जो है थोड़ी सी डल लग रही है, ये ब्राइट लग रही है. वाई? बिकॉज इसको इवन टोन कर दिया विद द यूज़ ऑफ द कंसीलर. मैं थोड़ा सा और यहाँ पे यूज़ करूँगी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द कंसीलर इज़ दैट दिस इज़ बिल्डेबल, राइट. कई कई कंसीलर्स क्या होते हैं कि उसको आप 2 बारी यूज़ करो, 3 बारी यूज़ करो, तो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है या बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाता है. आप इसको 2 बारी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे इंटेंसिटी के लिए एंड अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम लोग ब्रश के साथ. आप लोग स्पंज की हेल्प के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप अपने फिंगर टिप्स के साथ भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं. ओके, सो मैंने आईलिड्स के ऊपर कंसीलर यहाँ पे यूज़ कर लिया है. हमारा कंप्लीट कवरेज कंसीलर इन द शेड 003 आई हैव यूज्ड ऑन 1 आईलिड. नाउ आई नो दिशा इज़ गेटिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल विद द हेयर, आई नो. सो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी, आई टेक अ क्लचर एंड मैं इनके बालों को क्लच कर दूँगी. दैट वेज इट विल बी वेरी ईजियर फॉर हर, तो ये भी थोड़ा इंटरेक्ट कर पाएंगे हमारे साथ. ओके, सो नाउ ऑल्सो बाई डूइंग दिस एक फ्रेम जो है प्रॉपर फेस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने आ जाता है. तो ऑलवेज ट्राई एंड टाई द हेयर. नाउ आईलिड्स को मैंने कंसील किया है. वन मोर थिंग जो हमारे को कभी भी नहीं भूलनी है कि इसको सेट करना भी इम्पॉर्टेंट है. सो फॉर दैट हमारे पास यहाँ पे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का प्रोफिक्स लूज पाउडर है और बहुत ही पतला होने की वजह से तो ये बेसिकली डजंट गिव एनी काइंड ऑफ कवरेज, बट क्या करता है एक बहुत ही एक्सेलेंट वर्क इट डज. और ये जितनी भी आपने फाउंडेशन यूज़ किया है उसके ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, राइट. क्रीस नहीं होता, दैट इज़ द बेसिक ऑफ हमारा प्रोफिक्स लूज पाउडर ऑन द आईलिड्स. So this is one eyelid is done. We'll start up with the eye makeup. Now, when we talk about eye makeup, मैं दिशा से पूछना चाहती हूँ कि how what kind of eye makeups do you prefer? I usually go with the liner. Usually with the liner. So I think बहुत सारी females जो हैं वो बहुत ही basic पसंद करती हैं कि मेरे को एक liner लगाना है and कोई भी party में या daily उसमें हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं. But let's try something different. थोड़ा क्योंकि it's a festive look. So I want to experiment with your eye shape with different colors. So I hope aap okay hain is cheez. Okay, so she said yes. So let's start with the eyebrows first. It is very important ki eyebrow ko properly set kiya jaye.
सो सेट मैंने आईब्रोज को बहुत अच्छे से कर लिया है ऑलरेडी, शेप में है बट इसको शेडिंग करना है, और शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ 006 आई शेडो कैरमल ट्विस्ट ट्रायो। ओके सो सबसे पहले मैंने आईलिड्स को प्राइम कर लिया है, प्रेप एंड प्राइम हो गई हैं। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द आईब्रोज, राइट? सो आईब्रोज को सेट कर लिया है। नाउ इसको मैंने बताया था वी आर यूजिंग 006 कैरमल ट्विस्ट ट्रायो आई शेडो, और ये जो ग्रे कलर है वी विल यूज दिस एज अवर आईब्रो फिलर। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है, आप कुछ इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगी, बट देन जो मेरा आईब्रो का शेप है उसी के अंदर ही रहते हुए सबसे पहले मेरे को आईब्रो को लाइन करना है, एक बहुत ही पतला और बहुत ही थिन लाइन करना है। एंड नेवर फॉरगेट कि यहाँ पे वी नीड अ आर्च, तो यहाँ पे एक आर्च भी होना चाहिए। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि आईब्रोज जो हैं वो आपके फेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं दिशा की आईब्रोज जो हैं उसको शेप एंड फिल कर रही हूँ। सो दिशा, डू यू यूज एन एनी आईब्रो प्रोडक्ट फॉर शेपिंग द आईब्रोज? नो। सो दिशा को पता ही नहीं है कि आईब्रोज को हाईलाइट करने के बाद, उसको शेप एंड फिल करने के बाद लुक किस तरीके का आता है। नाउ ये जो फ्रंट जो हेयर है यहाँ पे, इसको मेरे को पीछे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ मैं इसको फिल करूँगी, ताकि हमारा जो आईब्रो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेट में नज़र आए, एक आर्क की तरह नज़र आना चाहिए। सो एंड देन एक बार जब मैंने लाइन कर लिया पूरे आईब्रोज को, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, सेम कलर लेकर के मुझे अच्छे से आईब्रोज के अंदर फिल करना है गैप। तो जो भी गैप होगा उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही माइन्यूटली, मतलब बहुत ही ध्यान रखते हुए आपको फिल करना है। सो बाय दिस वन ऑफ द आईब्रो इज़ डन। नाउ आप देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन वन एंड द अदर आईब्रो। नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग 005 एमराल्ड फ्यूज ट्रायो, ये हमारा आई शेडो है और इसके अंदर तीन कलर्स अवेलेबल हैं। तो इसमें से मैं ये जो थोड़ा ब्राउनिश कॉपरिश शेड है मैं पहले ये पिक करूँगी एक फ्लफी ब्रश के ऊपर। सो एज दिशा इज़ वेयरिंग अ रेड कलर ड्रेस विद द दुपट्टा ऑफ गोल्डन कलर, तो आई हैव टू मेक श्योर कि कलर्स कुछ ऐसे चूज हों जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे कलर्स कुछ ऐसे यूज़ करने हैं जो कॉम्प्लीमेंट करे, राइट, बैकलैश ना करे। सो मैं सबसे पहले ये वाला कलर ले रही हूँ, और कलर को लेकर के मुझे सबसे पहले जो मेरी क्रीज है मैं उसको डिफाइन करूँगी, और बिल्कुल हल्के हाथ से मुझे ऊपर की तरफ कलर को ब्लेंड करना है, जस्ट एक इल्यूजन देने के लिए। सो एक जस्ट एक स्लाइटली एक हिंट पता लग जाए कि एक कलर यूज़ हुआ है। जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे कलर को उतना ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। सो ब्रश को गोल घुमाते हुए एंड इनसाइड आउट इस तरीके से आप कलर को डिफ्यूज़ करेंगे एंड उसको एक ट्रांजिशन शेड के अंदर लेकर आएंगे। इस तरीके से मैंने एक ट्रांजिशन देने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो कॉपर कलर है, जो ब्राउन कॉपर कलर है, मैंने उसको यूज़ किया है। नाउ आईलिड्स के लिए आई विल यूज़ द गोल्डन कलर। नाउ गोल्डन कलर को यूज़ करने से पहले आई हैव टू मेक श्योर, क्योंकि ये फेस्टिव लुक है सो इट शुड लुक वेरी प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छा इसका कलर आना चाहिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पे हमारे जो लिमिटेड एडिशन स्टिक आई शेडो है सन ऑन माई आईज, मैं उसको यूज़ करूँगी पूरी आईलिड्स पे। एंड यू कैन सी द कलर, इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाफ आईलिड के ऊपर मैं इसको यूज़ करूँगी, जो आईबॉल एरिया है, एंड यहाँ से इधर की तरफ पे आई गिव अ वी लुक, इधर से इस तरफ को चला जाएगा और अच्छे से कलर को ब्लेंड करना है। हमारी आई एरिया जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ लगना चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सन ऑन माई आईज यूज़ किया है आईलिड्स के ऊपर। सन ऑन माई आईज को मैंने अच्छे से पूरी आईलिड्स के ऊपर यूज़ कर लिया है यहाँ पे।
Now again, I will take 005 eyeshadow Emerald Fuse Trio. और इसमें से मेरे को ये जो हल्का सा पिंकिश कॉपरिश शेड है, मैं उसको सेट करने के लिए सेंटर ऑफ द आईलिड मैं इनकी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि कलर थोड़ा सा स्टे करे ज़्यादा देर के लिए, राइट? बिकॉज इट्स अ फेस्टिव लुक, तो हम नहीं चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक गलती की वजह से आपका पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाए. सो उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए, ताकि इसका पिगमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए और लंबे समय तक आपके आईलिड्स के ऊपर लगा रहे, तो मैं यहाँ पे ये शेड यूज़ कर रही हूँ इनकी आईलिड्स पे. और उसके बाद मुझे हल्के से डिफ्यूज़ करना है कलर को लाइटली, एंड यू कैन सी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर निकल कर आएगा विच इज़ गोल्डन एंड थोड़ा सा रस्टी शेड में है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग अ लॉट विद द ड्रेस, जो कि ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आई शेडो इज़ डन, राइट? नाउ मैं यहाँ पे आई लाइनर यूज़ करूँगी लुक को ऑलमोस्ट कम्प्लीट करने के लिए. सो मैं यहाँ पे हमारा मिस्टर लव मिलान का आई रूल पेन आई लाइनर पेन ले रही हूँ, एंड देन आई विल ट्राई टू गिव इट अ विंग्ड आई लाइनर, बिकॉज सिंस दिशा इज़ वेरी मच इन टू आई लाइनर्स, आपको बहुत पसंद है आई लाइनर्स, राइट? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो आई होप आपको विंग्ड आई लाइनर बहुत अच्छा लगता होगा. सो फॉर स्टार्टिंग आई लाइनर, मैं सेंटर में से स्टार्ट करूँगी लाइनों को यूज़ करना, एंड देन आई टेक इट फर्दर आउट, मेरे को लेकर जाना है. और अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो बेसिक रूल यही होता है कि आप पेन को इधर से एक लाइन बनाएं, एक वी, और उसको जो इनसाइड लाइन है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल विंग आई लाइनर जो है आपका वो क्रिएट हो जाएगा. एंड देन सेम गोज स्टार्टिंग ऑफ द आई, जो इनर कॉर्नर जो होता है उसको भी आप लाइन करेंगे अच्छे से, एंड देन इसको लाइन करने के बाद, सो दिस इज़ हाउ द आई मेकअप विल लुक लाइक, राइट? ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें काफ़ी कुछ हमारे को और ऐड करना है, क्योंकि कलर देना है, वी वांट टू गिव मोर ऑफ अ कलर. काजल हम सबको पता है, हर एक इंडियन फीमेल की एक बहुत ही पसंदीदार एक मेकअप प्रोडक्ट होता है, एंड दैट्स द स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो एक हर एक फीमेल यूज़ करती है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिशा आपका भी ये फेवरेट प्रोडक्ट होगा, राइट? सो काजल इज़ समथिंग हर एक फीमेल को पसंद है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इंडियन फीमेल्स, उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है. सो मैं यहाँ पे हमारा मिस्टर लव मिलान का जो पेंसिल आईलाइनर है, मैं उसको एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ. एंड व्हाई? बिकॉज मुझे स्लाइटली कलर देना है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है. आई जस्ट नीड अ स्लाइट कलर ऑफ फ्लश ऑफ कलर. सो मैं कभी भी काजल जब यूज़ कर रही हूँ, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं यूज़ करूँगी, फ्लैट करते हुए काजल को पूरी जो वाटर लाइन है उसको अच्छे से फिल करूँगी. सो वेरी नाइसली आपको पूरी वाटर लाइन को फिल करना है. सो इस तरीके से जस्ट अ स्लाइट कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे हमारा जो पेंसिल आईलाइनर है मैंने उसको यूज़ किया. नाउ इसके अंदर थोड़ा सा और कलर देने के लिए आई वॉन्ट टू यूज़ अ डिफरेंट कलर, ताकि आई मेकअप का जो गेम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, क्योंकि अभी तो सबको पता ही है एवरी वन इज़ वेयरिंग अ मास्क जब भी आप बाहर जा रहे हैं. सो दी आई शुड बी अ हाईलाइटिंग पॉइंट, राइट? आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगना चाहिए, और फेस्टिव लुक जो है वो आई मेकअप से पता लग जाए आपका. सो इसको और ज़्यादा कलर देने के लिए आई एम यूजिंग दी कलर्ड काजल जो हमारा है ब्लू, उसको मैं जो लोअर लैशेज हैं मैं उसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट टू गिव अ लाइट कलर, थोड़ा एक डिफरेंट कलर देने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लू कलर. और सिर्फ ये लोअर लैशेज पे ही यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने वाटर लाइन के अंदर ऑलरेडी ब्लू ऑलरेडी मैंने ब्लैक जो हमारा पेंसिल आईलाइनर है मैंने उसको यूज़ कर लिया है. तो जस्ट एक कलर देने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लू. सो यू कैन सी कितना ही फास्टली इसने एकदम से आई मेकअप को चेंज कर दिया है. इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने की ज़रूरत है हमारे को. सो मैं एक छोटा ब्रश लेकर के ये इस कलर को थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर दूँगी, थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी इसको लाइटली, बिल्कुल हल्के हाथ से आप ब्लेंड करेंगे
So now eye makeup is almost done. अभी मैं यहाँ पे now you can see the difference कि एक eye जब अगर मैं इस तरीके से करूँ this is without eye makeup and this is with the eye makeup. So you can see ये वाला जो area है this is getting a lot of highlighting and बहुत ही beautiful colors इसमें नज़र आ रहे हैं, दो तीन shades इसमें नज़र आ रहे हैं and just with 3 products we have given this result, right? Eye makeup is almost done. Now it's the time for mascara and mascara is a hidden makeup. So मैं यहाँ पे हमारे मिस्टर ऑफ मिलान का शो टाइम वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू गिव वॉल्यूम एंड यू नो लेंथनिंग टू द आई लैशेज. सो मैं मस्कारा के वॉन्ट को लेकर के बहुत ही अच्छे से कर्ल करना है मुझे लैशेज को और आई लैशेज को हमेशा ऊपर की तरफ आपको कर्ल करना है. वाई बिकॉज अभी हम लोग आई लैशेज यूज करेंगे सो आई लैशेज और जो रियल आई लैशेज हैं वो दोनों अच्छे से मर्ज हो जाए मिक्स हो जाए. दैट इज द रीजन हम लोग मस्कारा को ऊपर की तरफ ज़्यादा ब्लेंड करें. अभी मैं नीचे वाले आई लैशेज के ऊपर मस्कारा को नहीं यूज़ कर रही ओनली रीज़न कि अभी नीचे हमारे को यू नो फाउंडेशन यूज़ करना है हमारे को कंसीलर यूज़ करना है. सो फॉर दैट आई एम गिविंग दिस टाइम. So Disha, you can see the eye makeup. Like, can you feel any kind of difference? Definitely. Definitely. I can feel that you have done my eye makeup this side, and I'm very excited for this side. For this side. Okay. So अभी इन्होंने eye makeup देखा नहीं है. So we'll just give it some time क्योंकि हम आपको पूरा final look दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का look हम आपको you know at last we are going to give you. So I hope you are excited. Very much. Okay. हमने अपनी दूसरी आई को भी कवर कर लिया है विद द सेम कलर सेम शेड्स जो हमने यहाँ पे लगाए हैं दिशा की आईज़ पे. सो दिशा जस्ट क्लोज द आईज एंड हम अपने ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांजिशन ऑफ कलर्स ऑफ 2-3 कलर्स जो कि बहुत उभर कर आ रहे हैं. एंड अगेन लोअर लैशेज पे जस्ट ओपन द आईज लोअर लैशेज पे हमने हमारा जो ब्लू काजल है हमने उसको यूज़ किया एंड उसको थोड़ा सा स्लाइटली स्मज कर लिया. Now to give the complete look of the eye makeup, अभी एक चीज़ बाकी है and that is false eyelashes. So false eyelashes मैं दिशा के आईज पे यूज़ कर रही हूँ and I'll tell you कि eyelashes को आप किस तरीके से आप आईज के ऊपर लगाएंगे, right? Okay. So मैंने यहाँ पे eyelashes लिए हैं and eyelashes को लेकर के मेरे को सबसे पहले जो चीज़ करनी है I have to see कि eyelashes की जो लेंथ है इज इट मैचिंग विद योर आई लेंथ और नॉट, राइट? दैट इज द सबसे पहला एंड द बेसिक स्टेप जो आपको चेक करना है. तो अब मेरे को क्या करना है, दिस इज ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ दिशाज आई. सो मुझे क्या करना है, मेरे को आई लैश को लेना है एंड मैं यहाँ पे ग्लू यूज करूँगी. ग्लू आप कोई भी यूज कर सकते हैं बट मेक श्योर करिए ग्लू शुड बी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड और आपकी आई को कोई भी प्रॉब्लम ना दे कुछ इस तरीके की ग्लू. एंड प्लीज़ डोंट यूज़ सस्ती ग्लूज जो आपको मिलती हैं वो वाली यूज़ नहीं करें. सो मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्रश की हेल्प के साथ पूरी आई लैशेज के ऊपर ग्लू को यूज़ कर लिया है. इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं ड्राई होने के लिए, जस्ट 2 seconds. 2 seconds के बाद आप अपनी आई लैशेज को यूज कर सकते हैं. नाउ अगर आप किसी के आई लैशेज पे यूज कर रहे हैं फॉल्स आई लैशेज लगा रहे हैं ऑलवेज मेक श्योर कि आई लैशेज को आपने बीच में से पकड़ना है इस तरीके से या फिर आप एक ट्वीजर्स की हेल्प से भी आप इसको पकड़ सकते हो. आईज को क्लोज करके सबसे पहले जहाँ पे मैं लैशेज को रखूंगी वो होगा मेरा सेंटर ऑफ द आई. सेंटर ऑफ द आई को अच्छे से प्रेस करना है मेरे को एंड देन जो इनर कॉर्नर्स हैं उस पे एंड देन आउटर एजेस. अच्छे से आई लैशेज को प्रेस करना है ताकि आई लैशेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे से एंड बहुत फाइनली आईज के ऊपर लैशेज के साथ ऐड हो जाए. सो कई लोग क्या करते हैं ग्लू को अपनी आईज के ऊपर यूज कर लेते हैं एंड देन दे यूज द आई लैश. तो ऐसा नहीं करिए बिकॉज दैट इज़ लिटिल रिस्की.
दिशा की आईज के ऊपर लैशेज एप्लीकेशन भी हमने कर लिया है. आई टोल्ड यू कि किस तरीके से आप आई लैश को अपनी आईज लैशेज के साथ ऐड करेंगे. एक बार ही आई लैशेज को लगाने के बाद ऑलवेज मेक श्योर कि थोड़ा सा पुश कर दे लैशेज को ऊपर की तरफ, ताकि आपकी जो नेचुरल आई लैशेज हैं वो जो फॉल्सीज हैं उसके साथ अच्छे से ऐड हो जाए. नाउ आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, सो यू कैन सी कि किस तरीके का लुक आ रहा है. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी गॉर्जियस. बहुत ज़्यादा डेंस आई मेकअप नहीं है, बहुत ही लाइट है और बहुत ही फेस्टिव लुक का एक यू नो इल्यूजन दे रहा है आईज़ को. सो विल स्टार्ट अप विद द फेस मेकअप नाउ. बेस जिसको कहते हैं, उसके लिए आई विल यूज़ द हाइड्रेशन क्रीम को हमने ऑलरेडी यूज़ किया है. फेस बेस के लिए आई विल स्टार्ट विद द परफेक्ट ब्लेंड लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड 002. फाउंडेशन को ऑब्वियसली एक बेस है तो मैं इसको पहले यूज़ करूँगी. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे को कंसीलर को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए पहले, फर्स्ट वी शुड यूज़ अ फाउंडेशन को क्यों यूज़ करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो रीज़न बीइंग, फाउंडेशन को यूज़ करने का बहुत ही बेसिक होता है क्योंकि फाउंडेशन जो है आपके कंसीलर से कम थिक होता है, राइट? थिक कम होता है तो बहुत अच्छे जल्दी से ब्लेंड हो जाता है. नाउ वेरिन, अगर मैं कंसीलर को यूज़ करूँगी तो होगा क्या कि फाउंडेशन को ब्लेंड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, राइट? सो मैं यहाँ पे सबसे पहले परफेक्ट ब्लेंड लिक्विड फाउंडेशन को इनके पूरे फेस के ऊपर यूज़ करूँगी. मेरे को फाउंडेशन को स्टार्ट करना है लगाना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फेस. पूरे फेस को मैं कवर करूँगी फाउंडेशन के साथ. नेक पे भी मैं इसको यूज़ करूँगी, जो भी बचा हुआ है उसको मैं नेक के ऊपर लगाऊंगी यहाँ पे. नाउ इसके साथ इफ़ यू वांट टू यूज़, यू कैन यूज़ द हाइड्रेशन क्रीम ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बट मैं नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज ऑलरेडी हमारे कंसीलर के अंदर इट हैज़ गॉट स्वीट आलमंड ऑयल जो बहुत ही अच्छे से नरिश करता है स्किन को. विद द हेल्प ऑफ द स्पंज मैं यहाँ पे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी फाउंडेशन को बिल्कुल हल्के हाथ से. एंड ऑलवेज मेक श्योर अकॉर्डिंग टू द हेयर लाइन जो आपकी है, आप उसी के अकॉर्डिंगली ही आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे. पैचेस नज़र नहीं आने चाहिए फाउंडेशन पे. इट शुड लुक वेरी इक्वल एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ होना चाहिए. जब भी आप अपने भी फेस पे कर रहे हो चाहे किसी के फेस पे कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर ब्लेंडिंग इज़ द की. मैंने हमेशा से बोला है ब्लेंडिंग इज़ द की. जितना आप ब्लेंड करोगे प्रोडक्ट को, चाहे वो आपका आई मेकअप है चाहे वो आपका फाउंडेशन है, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फाउंडेशन को ब्लेंड करना है अच्छे से. साइड्स में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये जो साइड्स होते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर कि साइड्स को हम अच्छे से कवर करें. एंड देन हमारा नेक जो है, नेक को अगेन फाउंडेशन को मैंने अच्छे से दिशा की स्किन के ऊपर ब्लेंड कर दिया है. एंड द शेड जो हमने चूज़ करा था दैट वाज 002 और बहुत ही ब्यूटिफुली स्किन के ऊपर मर्ज हो गया है हमारा फाउंडेशन. सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बेस के लिए दैट इज़ द कंसीलर, और ये कंप्लीट कवरेज कंसीलर है मिस्टर ऑफ मिलान का. दिस इज़ इन द शेड 003. नाउ अभी आई कैन स्टिल फील कि इम्परफेक्शंस जो हैं थोड़े बहुत वो नज़र आ रहे हैं. सो फाउंडेशन को अपनी पूरी फेस को इवन टोन करने के लिए आप यूज़ करते हैं. कंसीलर को हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी ब्लेमिशेस होते हैं, कोई भी ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क हैं फेस के ऊपर, उसको कवर करने के लिए वी यूज़ कंसीलर. सो मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ और कंसीलर को पूरी आईज़ के ऊपर अच्छे से आईज़ के नीचे यूज़ करूँगी. इसको लगाने के बाद मेरे को अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करना है. सेम गोज़ कि अगर मेरे माउथ एरिया पे थोड़ा डार्क एरिया है या फिर मुझे उसको कंसील करना है तो उसके लिए भी आई कैन यूज़ द कंसीलर. और डैब डैब करते हुए आपको ब्लेंड करना है इस तरीके से. जब मैं कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड हाइलाइटिंग. सो हाइलाइटिंग के लिए मैंने हमारे कंसीलर को सेंटर ऑफ द फेस के ऊपर लगाया है और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं. और पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मुझे हाइलाइटिंग शेड देना है कि जब भी आपके फेस के ऊपर लाइट पड़े तो आपका जो सेंटर ऑफ द फेस है, फॉर एग्जांपल योर फोरहेड, आंखों के नीचे का एरिया, योर ब्रिज ऑफ द नोज एंड ये वाला एरिया जो है, ये लाइट के कॉन्ट्रैक्शन में हाइलाइटिंग इफेक्ट दे. एंड आपका जो बाहर वाला, जो आपका पीछे वाला फेस है, ये एक कंसीलिंग एक
कंटोरिंग का इफेक्ट दे। नाउ हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीलर भी यूज़ कर लिया है, हमने फाउंडेशन भी यूज़ कर लिया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर आप बेकिंग करेंगे, राइट? बेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत ही बेसिक बेकिंग करूँगी मैं, क्योंकि आपको पार्टी के लिए नहीं जाना है, यू जस्ट वॉन्ट अ फेस्टिव मेकअप लुक। तो मैं यहाँ पे हमारा जो प्रोफिक्स लूज पाउडर है उसको लेकर के आँखों के नीचे जहाँ पे मैंने यूज़ किया था हमारा कंसीलर, मैं सबसे पहले वो वाले एरिया पे यूज़ करूँगी, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो क्रीसेस पड़ते हैं वो आपके ये वाले एरिया पे होते हैं। सो क्योंकि आपके आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस होते हैं और उधर सबसे ज़्यादा थिक जो मेकअप है विच इज़ द कंसीलर वो सबसे ज़्यादा सेटल होता है, तो उसको यू नो रिमूव करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वी यूज़ अ लूज पाउडर। सेम वे जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया था उसी एरिया को हाईलाइट करने के लिए आई विल यूज़ द लूज पाउडर लाइक दिस। इसको कुछ टाइम के लिए हम लोग रखेंगे ताकि अच्छा सा इसका जो यू नो सेटिंग जो काम है वो कर दे। सो गिव इट एट लीस्ट ऑफ अ मिनट और टू मिनट्स और उसके बाद हम इसको अच्छे से पूरी स्किन के अंदर मर्ज कर देंगे। इट्स ऑलरेडी बीन टू मिनट्स ऑलमोस्ट। अब मैं अच्छे से पूरे लूज पाउडर को रिमूव कर दूंगी एंड देन आई हैव टू मेक श्योर कि लूज पाउडर में कोई रिमूव नहीं करना है बट फेस के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसका जो रिजल्ट है वो पूरे फेस के ऊपर रहे जो मैंने मेकअप यूज़ किया हुआ है, बिकॉज आपके फेस के ऊपर फाइन लाइन्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उसको भी आपको अच्छे से आपके आप चाहते हो कि आपका बेस अच्छे से सेट रहे। सो ऑलवेज वी हैव टू मेक श्योर कि जो लूज पाउडर यूज़ किया है वो पूरे फेस के ऊपर हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो आइस कोल के ऊपर देखो दिशा, सो दिस एरिया जो है जो बहुत ही इनर कॉर्नर एरिया होता है आपका टियर डक्ट एरिया, उधर से यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे से ब्लेंड हुआ हो। नाउ अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम टेकिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर 002 बिकॉज मुझे हाईलाइटिंग पर्पस के लिए भी और ज़्यादा वो चाहिए। सो हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर के मैं आंखों के नीचे यहाँ पे यूज करूंगी सबसे पहले, नोज के ऊपर मुझे यूज करना है। यूजुअली जैसे आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज करते हैं आप उस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज करेंगे। सो नाउ माई बेस इज ऑलमोस्ट रेडी, कैनवस बिल्कुल रेडी हो चुका है। नाउ वी हैव टू डू अ स्लाइट कंटोरिंग, राइट? बहुत ही स्लाइट कंटोरिंग हम लोग करेंगे, दैट इज़ नोन एज शेडिंग। वी विल डू शेडिंग, वी विल नॉट डू कंटोरिंग टुडे, क्योंकि आज का टॉपिक इंक्लूडेड था शेडिंग में, राइट? हाईलाइटिंग हमने कर लिया है। नाउ फॉर शेडिंग आई एम गोइंग टू यूज 003 पावर ब्राउन ट्रायो का ये जो मैट ब्राउन शेड है, एक फ्लफी ब्रश के ऊपर लेकर के बिल्कुल हल्के हाथ से मुझे सिर्फ एक इल्यूजन देना है कंटोरिंग का, जिसको कहते हैं शेडिंग। नाउ ऑलवेज मेक श्योर ये जो आपका ये जो हेयर लाइन होता है इधर से आपको अंदर की तरफ बाहर की तरफ लाइन को खींच के लेकर जाना है, राइट? सो इस तरीके से वी विल लाइन इट एंड देन मेक श्योर कि इसको सर्कुलर मोशंस में आप लोग अच्छे से ब्लेंड करें कलर को। और मैं सिर्फ यही वाले एरिया के ऊपर यूज कर रही हूँ, नहीं तो यूजुअली जब हम लोग करते हैं तो इधर इधर तक लेकर आते हैं, विच इज़ नॉट शेडिंग। शेडिंग करना मीन्स हल्का सा अल्यूजन देना। तो मैं ये ब्राउन कलर को लेकर के एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम कलर को और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करें एंड ये वाले जो साइड्स हैं इधर की तरफ हम लोग अच्छे से कलर को ब्लेंड करेंगे। एक हो गया आपका राइट हेयरलाइन, एक हो गया आपका जॉ लाइन। नाउ जॉ लाइन को भी शेडिंग करने के लिए सेम वे इस तरीके से आप एक लाइन खींचेंगे एंड इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे ताकि कलर एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इन एंड आउट इसको इस तरीके से पहले ब्लेंड करेंगे हम लोग ताकि आपको अपने फेस का जो स्ट्रक्चर है वो पतला दिखाना है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक स्ट्रीकिंग लाइन की तरह आपके फेस के ऊपर ना नजर आए। सो वी हैव टू मेक श्योर अच्छे से इसको नीचे की तरफ हम लोग ब्लेंड करेंगे नाइसली। चिन एरिया जो है ये वाला,
जो बचा हुआ है आपके ब्रश के ऊपर, मेरे ब्रश के ऊपर मैं उसी को ही यूज़ करूँगी। सिमिलरली नोज़ के साइड्स में मैंने बिल्कुल ज़रा सा कलर लिया है, और शेडिंग करने के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा यहाँ तक नहीं लेकर जाऊँगी। आई विल जस्ट डू ये वाला जो एरिया है, मैं सिर्फ शेडिंग ये वाले एरिया पे करूँगी, एंड देन नॉट टू फॉरगेट द फोरहेड। फोरहेड पे भी हल्का सा आप कलर लेकर के साइड्स में यहाँ पे मैं शेडिंग कहते हैं कलर को हल्का सा डिफ्यूज करना, दैट इज कॉल्ड शेडिंग। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इट शुड लुक वेरी नेचुरल, येट आपका जो फेस है उसकी लुक जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आनी चाहिए। सो उसको कहते हैं शेडिंग। मैंने यहाँ से साइड्स में से यूज़ किया, सेम वे इधर मैं यूज़ करूँगी जो हेयरलाइन जो मैंने बताया था, अच्छे से ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे आप कलर को। नोज को ऑलरेडी हमने इधर से कर लिया है, देन द चिन एरिया। तो इस तरीके से आई हैव डन द शेडिंग ऑफ द फेस एंड द हाइलाइटिंग। सो आप देख सकते हो जो ये वाला जो आउटर फेस है वो बहुत ज़्यादा कंटोर्ड लग रहा है, और बहुत ही एक ऐसे इल्यूजन में लग रहा है कि फेस पतला लग रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ द फेस में हमने हाइलाइटिंग यूज़ की है, राइट। सो ये हो गया हमारा कंटोरिंग, जिसको कहते हैं शेडिंग, क्योंकि बहुत ही लाइट वर्जन हमने कंटोरिंग का यहाँ पे किया है। अब चीक्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ इन द शेड 004 स्वीटहार्ट। ये थोड़ा एक पिंक कलर का ब्लशर है, विच हैज़ गॉट बहुत ही ल्यूमिनस शाइन शिमर इन इट। तो ये हमारा ड्यूल काम करता है एज अ हाइलाइटर एज वेल एज अ ब्लशर, विच इज़ टू गुड अगर हमारे को दोनों प्रोडक्ट एक ही उसमें चाहिए एक प्रोडक्ट में। सो वी कैन यूज़ द स्वीट हार्ट ब्लश 004। सो आई टेल टू दिशा टू स्माइल। सो नाउ ऑलवेज यूज़ द ब्लशर ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स, एंड देन उसको ऊपर की तरफ आप ब्लेंड करोगे, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि एक हल्का सा ब्रश टैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके फेस के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ज़रा सा लें एंड उसको टैप कर दें एक्स्ट्रा को, तो इट विल गिव अ वेरी ल्यूमिनस एंड वेरी नेचुरल लुकिंग ब्लश ऑन योर फेस। कुछ इसे ब्लेंड करें बिकॉज इट हैज़ गॉट ग्लिटर्स इन इट, शिमर है इसके अंदर। सो शिमर में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें तो आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया है। सो वी ऑलवेज़ हैव टू सी कि हमारा ड्रेस के साथ जो मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ क्या वो जा रहा है, बिकॉज दिशा ने रेड कलर पहना है यहाँ पे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो अटायर मैंने डाला हुआ है उसके साथ भी जो मैं शेड्स यूज़ कर रही हूँ बहुत ही पर्टिकुलर लगे। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी नाइसली। सो दिशा डू यू यूज ब्लशर्स, डू यू लाइक यूजिंग ब्लशर्स? वेरी ओकेजनली। नाउ यूजिंग ब्लशर्स इज समथिंग लाइक इट्स अ हिडन मेकअप, कि जब भी आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड आपका फेस बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील हो रहा है, सो वॉट आई पर्सनली डू इज़ आई पुट अ लॉट ऑफ ब्लशर ऑन माई चीक्स, ताकि मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लगे और बहुत ही अपलिफ्टेड लगे। सो ब्लशर्स इज़ लाइक वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो ब्लशर मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट इनके चीक एप्पल ऑफ द चीक्स के ऊपर यूज़ किया है। सो यू कैन सी द शाइन ऑन द फेस, इट्स लुकिंग वेरी वाइब्रेंट एंड बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है इनका फेस। नाउ द लास्ट इज द लिप्स जो रह गए हैं, सो वी विल कवर दैट ऑल्सो। सो फॉर द लिप्स मैं यहाँ पे सबसे पहले लिप्स को लाइन करूँगी, एंड आई एम यूजिंग मिस्ट्रल ऑफ मिलान अल्ट्रा डिफाइन लिप लाइनर, दिस इज इन द शेड चेरी रेड। सो चेरी रेड, वाई रेड, सो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो आप सबको पता होगा शी इज़ वेयरिंग अ टायर विच इज़ ऑफ रेड कलर। सो लिप्स को लाइन करने के लिए ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसका इससे बेहतरीन कोई टिप नहीं हो सकता कि आपको इफ यू वॉन्ट लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहे, सो ऑलवेज यूज़ अ लिप लाइनर बिफोर यूजिंग अ लिपस्टिक।
सो लिप को लाइन करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्यूपिड बो का जो यहाँ पे वी है इसको बनाऊंगी इस तरीके से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेंटर में मैं यहाँ पे लिप लाइनर को यूज़ करूँगी इस तरीके से। एक बार ये हो जाएगा, नाउ आई वुड नो कि मुझे लाइंस कहाँ से कनेक्ट करनी है। और मैंने दिशा के लिप्स के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा जो है लिप ग्लॉस वो लिप्स के ऊपर यूज़ कर दिया था बीच में ही, ताकि वाई बिकॉज जो लिप्स जो हैं वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। नाउ लाइन को ऐड करते हुए अच्छे से लिप्स को लाइन करें। लिप्स को लाइन करने के बाद उसको अच्छे से फिल करेंगे। सेम गो विद द लोअर लिप, अच्छे से आप इसको लाइन करेंगे, पहले एंड तक लेकर जाएंगे। अगर आप बोलते हैं कि लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करता, उसका एक बहुत अच्छा वे है कि आप लिप लाइनर को यूज़ करके ही लिपस्टिक को यूज़ करें। सो इट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो होता क्या है, बेसिकली लिपस्टिक चला जाता है तो पीछे से आपके जो लिप्स हैं उसके ऊपर कुछ जो फाइन लाइन्स होते हैं उसके अंदर फंस जाता है। सो इट लुक्स वेरी टैकी, बहुत ही अजीब लगता है। सो ऑलवेज मेक श्योर अच्छे से लिप्स को लाइन करेंगे, साइड्स में भी अच्छे से हम लोग फिल करेंगे लिप्स को, क्योंकि साइड्स में से भी आपका जो लिपस्टिक है वो चला जाता है। अच्छे से लाइन करना है लिप्स को, उसको फिल करना है। सिर्फ लाइन नहीं करना, यू हैव टू फिल द लिप्स ऑल्सो विद द लिप लाइनर। एंड एक बार ये लिप लाइनर लगाने के बाद नाउ आई विल गो अहेड एंड यूज माई लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए टुडे आई एम यूजिंग मिस्टर लॉफ मिलान हाई शीन लिप लस्टर इन द शेड 001 लेडी बॉस। आई लव दिस शेड एंड इट्स गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट अ लॉट विद द अटायर ऑल्सो। सो बिल्कुल हल्के हाथ से मेरे को ले करके इसको लगाना है। एंड लिप लस्टर इज़ अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही यू नो नाइसली इट विल सेट ऑन योर लिप्स ऑल्सो। इट गिव्स अ वेरी ग्लॉसी लुक और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है ये। सो आई लव ऑल द शेड्स इसके। माय पर्सनल फेवरेट इज़ BFF। आई डोंट नो द शेड नंबर बट BFF इज़ माय पर्सनल फेवरेट शेड जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने लिप्स के ऊपर। नाउ विद द हेल्प ऑफ द ब्रश मेरे को अच्छे से पूरे कलर को ब्लेंड करना है ताकि कोई भी लाइन जो है वो नज़र ना आए एंड बहुत ही अच्छे से सीमलेसली पूरा जो कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आई नो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लोगों के कि आई डोंट यूज़ अ लिप लाइनर, मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे को आदत नहीं है। बट यू कैन ट्राई एंड मेक अ हैबिट कि बहुत सारे फीमेल्स जो हैं हमारी वेस्टीज के अंदर दे आर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, दे हैव सलॉन्स। सो उनके पास बहुत ब्राइडल मेकअप पार्टी मेकअप्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सो यू कैन ट्राई एंड डू दिस ट्रिक, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेकअप इज़ डन, पूरा फुल फेस हमने आईज़ को हाईलाइट किया, हमने फेस को हाईलाइट किया, हमने लिप्स को हाईलाइट किया विद अ ब्यूटिफुल इल्यूजन ऑफ डिफरेंट कलर्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं एंड वी हैव गिवन दिस फेस्टिव लुक ऑन दिशा'स फेस। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार जस्ट आईज क्लोज करके वी कैन शो इट टू अवर ब्यूटिफुल ऑडियंस कि यू कैन सी द आई मेकअप, इट इज़ वेरी मच गोइंग विद द अटायर। और इवन नॉट विद दिस अटायर यू कैन do this kind of makeup with a golden attire, with green or with blue जो कि festive colors होते हैं। and ये एक makeup है जो almost सब looks के साथ आपकी जा सकता है। so this is the look that I've given to Disha। the makeup is completely done guys, आप लोग देख सकते हैं with the hair proper बहुत ही अच्छे से curl करके with the proper makeup and everything। I hope you like this our first online makeup workshop, digital workshop जो हमने यहाँ पे की on Disha's face and I hope Disha you like the makeup. Definitely. So what was the best part in the makeup that you loved? Definitely the eye makeup. Eye makeup. Because अभी पता है कि इसके बाद you have to wear a mask on the nose and the mouth.
तो ऑब्वियसली आई शुड डू ऑल द टॉकिंग राइट, आई शुड बी हाईलाइटेड प्रॉपरली. सो हमने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया है टू गिव अ वेरी हाईलाइटेड एंड अ वेरी फेस्टिव लुक. एनीथिंग दैट यू मे वुड वॉन्ट टू आस्क दिशा? I would definitely say I'm not used to makeup, but this look I'm definitely gonna try, and I hope your with your tips and advices it will definitely help. Oh, sure, that would be. तो हम कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग एक ऐसा ऑनलाइन एक मेकअप वर्कशॉप अगेन लेकर आएँ ऑन बेस्ट फेस फॉरवर्ड. सो एट द लास्ट आई वुड ओनली से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑफ मिस्टर लव मिलान ऑन यूट्यूब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. जितना ज़्यादा हो सके ट्राई एंड डू दिस मेकअप लुक, एंड आई वुड वॉन्ट टू सी जितनी भी हमारी फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे और जितने भी लोग ये आज इस यू नो सेशन को जिन्होंने देखा है हमारे ऑनलाइन मेकअप वर्कशॉप को, आई वुड रिक्वेस्ट कि फीमेल्स ट्राई एंड डू दिस काइंड ऑफ लुक एंड शेयर योर पिक्चर्स. मे बी यू नेवर नो दैट विल गेट योर पिक्चर्स पोस्टेड ऑन द मिस्टर लव मिलान पेज, राइट? यू नेवर नो दैट. सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहे. नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल कम अप विद अ न्यू सेशन ऑन मेकअप, अ डिफरेंट मेकअप लुक. So till then, take care. Bye-bye. Bye. Bye.